वायलेंट मूवीज देखने पे क्या आप डिस्टर्ब होते हो? अगर उसका आंसर यस है तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और देखिए। काफी बार हम जो डेटा जो कंज्यूम करते हैं जब हम इमोशनली वीक होते हैं, वो डेटा हमें बहुत डिस्टर्ब करता है। सिमिलर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप न्यूज़पेपर या न्यूज़ सुनते हो जहां पे रेप वायलेंस ऐसी चीजें आती है। अब जब आप ये सुन के अपना दिनचर्या निभाते हो, यू रिमेन लिटिल इमोशनली लो। सो क्या करना चाहिए? सो यू हैव टू डू लिटिल स्टडी ऑफ आध्यात्म, जहां पे आप अपना इमोशनल स्टेट को कॉन्स्टेंटली ध्यान रखो, ताकि जब कभी आपके सामने कोई ऐसा डेटा आए जो वायलेंट हो या खराब हो, तो आपके ऊपर उस डेटा की छाप उतनी स्ट्रांग ना पड़े जितना एज कंपेयर टू तब पड़े जब आप इमोशनली वीक होते हो। काफी बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो ये न्यूज सुन के काफी डिस्टर्ब रहते हैं, एंड इट लीड्स टू डिजीज ऑल्सो। सो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये डेटा या मूवीज देखिए मत, बट इफ यू आर वॉचिंग दिस मूवीज यू हैव टू बी अटेंटिव दैट इट इज जस्ट अ मूवी और इट्स जस्ट अ सिंग। या तो अगर वो न्यूज है तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वो लोग उनके कर्मों से नियोजित है, तो हर चीज में आपको इन्वॉल्व होना गलत रहेगा। सो ये वीडियो आप शेयर करिए सो दैट पीपल रिमेन इमोशनली स्ट्रांग।